मैं यहाँ पर 6 लोगों के लिए चावल बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में अलग चावल लिए हैं, एक प्लेट में अलग चावल लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों अलग अलग क्यों लिए हैं और कलर में भी आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। यहाँ पर मैंने जो चावल लिए हैं वो बासमती डबल चाबी वाले लिए हैं और जो ये अपन खिचड़ी ये छोटे टुकड़े वाले जो चावल आते हैं वो लिए हैं। अब अलग अलग मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बासमती चावल मेरे पास इतने सारे थे नहीं, तो 6 लोगों के लिए मेरे को एडजस्ट भी करना था तो मैंने दूसरे चावल भी ले लिए और इन्हें अलग अलग ही बॉईल करना है। इसका रीजन मैं बता देती हूँ, ये जल्दी से बॉईल नहीं होते, बासमती चावल टाइम लगाते हैं और जो ये टुकड़े वाले चावल होते हैं वो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। अगर आप चावल बनाने के लिए कोई से भी चावल ले रहे हो तो दोनों की क्वांटिटी दोनों को अपन अलग अलग ही बॉईल करेंगे। अगर हाँ आपके पास बासमती चावल की ही वेरायटी में अगर अलग चावल है तो आप एक साथ उबाल सकते हो, अगर अलग अलग वेरायटी है तो आपको अलग अलग ही बॉईल करना है इन दोनों को। तो और एक ट्रिक यहाँ पे हो गई कि मैंने इन्हें पहले ही पानी में भिगो कर रखा हुआ है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, इससे क्या होता है ये जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं बॉईल होने में, तो गैस की बचत हो जाती है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही इसमें ट्रिक बताते जाऊंगी। अब इनमें से इनका पानी निकाल लेंगे। इनका पानी निकाल कर मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर मैंने फ्राई किए हैं गोभी और आलू। आप अनार के दाने भी ले सकते हो, मटर भी ले सकते हो, मटर हो तो मटर को फ्राई या बॉईल दोनों कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेरे पास ना तो अनार के दाने हैं ना अभी मटर है, मेरे पास है केवल आलू और ये फ्राई की हुई गोभी। फूल गोभी लेनी है आपको, पत्ता गोभी नहीं लेनी है। इसमें 2 बर्तन लिए हैं, दोनों में मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि 2 क्वालिटी के अपन चावल ले रहे हैं। अब इस फर्स्ट वाले में अपन डालेंगे ये डबल चाबी, लेकिन पानी गर्म करके ही मैंने क्यों ऐड किया है इन चावलों को, क्योंकि ये फिर टेंदे के चिपकते हैं, इसीलिए अपन गर्म पानी में डालते हैं। पहले तो अपने चावल भिगे हुए और फिर गर्म पानी में डालेंगे तो चुटकी बजाते ही ये अपने चावल बॉइल हो जाएंगे। और अब ये चावल इसमें ऐड करेंगे। एक ट्रिक यहाँ पर है कि इन्हें ढक देंगे तो भी जल्दी से बॉईल हो जाएंगे, अगर ये सारी प्रोसेस आप नहीं कर रहे हो। अब ये चिपके ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर घी ऐड कर दिया है और इसमें भी मैं घी ऐड कर दूंगी। दोनों में घी ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। इन दोनों को बीच बीच में हिलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और बॉइल होने देंगे। अपने दोनों चावल बॉइल हो चुके हैं, ये देखिए बॉईल हो चुके हैं। अब मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी और इन्हें पानी में से इसे निकाल लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इनमें। और यहाँ पर मैंने लौंग और काली मिर्च ली है और इन्हें ऐसे दरदरा पीस लेंगे। लौंग मैंने यहाँ पर केवल 6 ली है क्योंकि इन्हें फ्राई करेंगे तो इनकी तासीर इतनी ज्यादा नहीं होगी, और काली मिर्च अपन ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा शरीर में गर्मी नहीं करती। और ऐसे पाउडर बना लेंगे इनको। एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और इसमें 3-4 टेबल स्पून एड कर रही हूँ मैं यहाँ पर घी की। अगर घी ना हो ऑयल ले सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा टेस्ट नहीं आएगा घी से जितना आएगा। और चेक करेंगे और ये देखिए घी अपना गर्म हो चुका है। अब इसमें लौंग और ये जो काली मिर्च अपने ग्राइंड की थी वो इसमें डालेंगे। थोड़ी दरदरी रखी है मैंने क्योंकि बाइट आते रहे इनके बीच बीच में, इसलिए पल से ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, हरी मिर्च और अदरक इन तीनों को पीस लिया है। आपको ऐसे पेस्ट बना लेना है, और चाहो अगर आप मिक्सी में नहीं पीसना चाहो तो अदरक का छोटा सा ऐसे जैसे मैंने काली मिर्च और लौंग क्रश की है ना, वैसे हरी मिर्च को, लाल मिर्च को और अदरक को हल्का हल्का क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। और ये सारा पेस्ट इसमें डालकर इसे पका लेंगे। तो हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, इसका अलग ही टेस्ट फ्लेवर आता है जो बहुत ज्यादा टेस्ट बनाता है पुलाव को। और ये देखिए इसमें जाली जाली पड़ने लग गई है, खिला खिला मसाला तैयार हो गया। अब इसमें अपन ऐड करेंगे ये जो अपने आलू वो भी फ्राई किए हैं वो, ये चावल बॉईल किए हुए इसमें ऐड करेंगे। और ये जो सारी क्वांटिटी है ना मैं आपको 6 लोगों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और इन्हें मिक्स करेंगे, और भी चावल ऐड करना है लेकिन पहले इन्हें मिक्स कर लेंगे वरना ये टेंडे भी चिपक जाएंगे। तो बाकी के ये चावल जो अपने थोड़े टुकड़े वाले चावल है ना वो अब मैं सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। लास्ट में ऐड करेंगे नमक, यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और 6-7 मैंने हरी मिर्च ली थी और उन्हें ग्राइंड किया था, और अदरक का छोटा सा बंच मैंने लिया था। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। टेस्टी सी चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप काजू किशमिश ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हो इन पर। ये ट्रिक हो गई है कि अगर आपके पास बासमती चावल कम हो तो कैसे आप एडजस्ट करके 6 लोगों के लिए बना सकते हो। हाँ थोड़े से आपको ज्यादा खिले खिले तो नहीं दिखेंगे क्योंकि अपन ने टुकड़े वाले चावल ऐड किए हैं, लेकिन ये टेस्ट में उतने ही अच्छे लगेंगे जैसे अपन चावल खाते ना
और दाना इतना भी ऐसे नहीं हुआ है, खिला खिला बना है। तो गैस मैंने बंद कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ।